पति ही होता है पत्नी का असली जेवर। जेवर? क्या बात कही है देवर। थैंक यू भाभी। चलो चलो चलो, अब कौन बताएगा इस कहावत का मतलब? बताओ। इसका मतलब ये हुआ कि पति अपनी तनख्वाह से अपनी पत्नी के लिए जेवर खरीदता है। तो हो गया ना, पति ही होता है पत्नी का असली जेवर। वाह 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 वाह। मयूरी, तुम्हारे कहने का मतलब है पति सिर्फ पत्नी को जेवर दिलाने के लिए होता है? नहीं। तो पति अपनी पत्नी को अच्छे अच्छे कपड़े दिलाने के लिए भी होता है और हंसाने के लिए भी, जैसे मेरा गदा प्रसाद। राइट। अरे नहीं 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 नहीं, फुल स्टॉप। आप लोग रहने दीजिए, कहावत कहीं और ही जा रही है। डॉट। भैया, कहावत कहीं नहीं जा रही, वो ब्लैक बोर्ड पर ही है। हरिओ बेटा, मैं पढ़ा रहा हूँ ना, तू ठीक से समझ। डॉट। हाँ, इस कहावत का मतलब होता है पत्नी के लिए सबसे कीमती चीज होती है उसका पति। फुल स्टॉप। पत्नी को अपने पति के आगे हीरे, मोती, सोना, चांदी, जेवरात कुछ नहीं चाहिए। पत्नी को सिर्फ अपने पति का प्यार चाहिए, उसका साथ चाहिए। .. गोमुख भैया, बात तो आपने बहुत पते की कही, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि पति अपनी पत्नी की खुशियों पर ध्यान ही ना दे। हमेशा ना सही, लेकिन कभी कभार वो किसी फरमाइश को पूरी तो कर सकता है ना। बात आपकी सही है। बिल्कुल। हाँ भाभी, जैसे हमारे गधा भैया ने अपना सर तुड़वा कर नागिन भाभी की फरमाइश पूरी करने की कोशिश की। हरिओम हरिओम। सुनो ना, तुम भी अपनी पत्नी की फरमाइश पूरी करोगे ना? बोलो ना। बोलते क्यों नहीं, चुपचाप खड़े क्यों हो? बोलो। अरे बोलो ना, चुपचाप खड़े क्यों हो? बोलो ना। अरे कब बोलोगे? बोलो ना, बोलो बोलो ना। तुम बहुत अच्छी हो मयूरी। चल चल चल। कौमा, तुम मोर की तरह नाचती हो मयूरी। कौमा, तुम बहुत सुंदर हो मयूरी। हाँ, मैं भी तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़ कर लाऊंगा। सच भैया, अब की बार ना हेलमेट पहन के जाना तारे तोड़ने के लिए। मेंढक कहीं का। जा तू। तक बाबू, गोरा लाला बहुत अच्छे जौहरी है और हमारे दोस्त भी। और गोरा लाला, कैसे हैं आप? भाई, इनसे मिलिए, ये हमारे दोस्त हैं घोटक जी। जड़ देंगे। क्यों जड़ देंगे भाई? हीरे जड़ देंगे भाई, और क्या। अच्छा अच्छा, और आप कौन है? कमाल है दुबे जी, आपने तो कहा था कि ये आपके बहुत अच्छे दोस्त हैं, ये तो आपको पहचान ही नहीं रहे। क्या दोस्त के सामने इज्जत का कचरा किए दे रहे हैं गोरा लाला? हम आपसे हीरो का हार लेने के लिए आए हैं और आप हमें पहचान भी नहीं रहे। कस के जड़ देंगे दुबे जी। अरे यार, बड़े दिनों के बाद नजर आए। आप तो मैं जानू गई है। और बाल बच्चे कैसे हैं? ठीक है लाला। बात यह है भैया कि जब तक हमको ये पता नहीं चलता कि आने वाला आदमी उधार लेने के लिए आ रहा है या किसी और काम से, तब तक हम उसको पहचानते नहीं है। अरे कोई नई बात नहीं है लाला जी, वैसे बिल्कुल सही बात है। हमारी रेलवे भी ना उधार में टिकट नहीं बेचती। लाला जी, हम आपसे इस डिजाइन का हार बनवाने आए हैं। खींच के जड़ देंगे, मतलब इस डिजाइन में खींच के हीरे जड़ देंगे। क्योंकि इस डिजाइन का एक हार हमारे पास तैयार है। क्या आपके पास ऐसा वाला हार है? बताइए कितने का होगा ये? समझिए 100,00,000 का पड़ जाएगा। 100,00,000? कुछ कम नहीं हो सकता लाला? जड़ देंगे, कहेंगे तो कम हीरे जड़ देंगे, दाम कम हो जाएगा। नहीं नहीं लाला जी,
हमें तो यही हार चाहिए। तब तो भैया हम पूरे 1,25,000 ही लगेंगे। रुकिए रुकिए घटक बाबू, देखिए गोरा लाला, हार तो इन्हें ये हर हालत में चाहिए, ये धीरे धीरे आपको पैसा दे देंगे। देखिए भैया, उधार तो हम 95 साल से ऊपर वालों को देते हैं, वो भी उनके दादा दादी से पूछकर। देखिए गोरा लाला, घोटक बाबू हमारी रेलवे के सबसे ईमानदार आदमी है। हाँ, तो आप इनकी गारंटी लेते हो? अरे घोटक बाबू के लिए गारंटी तो क्या, हम वारंटी भी दे सकते हैं। तो फिर भुगतान किस प्रकार होगा ये और बता दीजिए, तो फिर हम जोड़ देते हैं। देखिए लाला जी, मैं अभी आपको 8-10 हज़ार रुपए दे देता हूँ। 8,000 या 10,000? 10,000। ये लीजिए 10,000 एडवांस। और क्या है कि मुझे ओवर टाइम और बोनस मिला के कुल 40,000 और मिलने वाले हैं, तो 2-4 दिन में 40,000 और दे दूंगा मैं आपको। 2 या 4 दिन? 4 दिन में। अच्छा, तो 40,000 और दे दूंगा तो टोटल हो जाएंगे 50,000 रुपये। हर महीने की पहली दूसरी तारीख को 10,000 की किस्त बांध लीजिएगा। तो ठीक है, जड़ देते हैं। आपके बताए हुए डिजाइन में हीरे। पर भुगतान में देरी नहीं होनी चाहिए। कैसी बातें कर रहे लाला, हावड़ा समय पर आए या ना आए, मेरी किस्त आपको समय पर मिल जाएगी। आओ भैया। जड़ दो भैया, 1-1.5 घंटे में हार तैयार हो जाएगा। 1 या 1.5? चलो, अच्छे खासे कपड़े धो दिए मेंढू के, अब 1 हफ्ते की छुट्टी। मेंढू, मेंढू इधर आ। जी भाभी। मेंढू, अपने कपड़े छत पे सुखाया, हाँ? जा। मेंढू, जरा पीछे आना, ये कपड़े कहाँ ले जा रहे हो? भैया, नागिन भाभी ने कहा था अपने सारे कपड़े छत पे सूखने को डाल दो, इसलिए डालने जा रहे। पर ये सारे कपड़े तो पहले से ही सूखे हैं, इन्हें और कैसे सुखाओगे? भैया, ये बात तो हमने सोची नहीं, अब क्या करें भैया? हम बताएंगे तुम्हें करना क्या है, ठीक है? पकड़ना, आ जाओ। ये लो मेंढू, अब हो गए कपड़े गीले, अब इनको छत पे सुखा दो। लो जी भैया, ये लो। एक मिनट, अब क्या हुआ भैया? इन कपड़ों से तुम्हारी नागिन भाभी की खुशबू आ रही है, इनको भी सुखा देना, जाओ। ठीक है भैया। अब तुमको निलांगे। सुनो ना, ये क्या कर रहे हो? हम पौधों को निला रहे हैं। अरे तुम छोड़ो उसे, छोड़ो। छोड़ दें? अरे छोड़ो ना। छोड़ दिया। ये क्या किया? अभी ने तो कहा था छोड़ दे, छोड़ दिया। छोड़ो उसको, बाद में रख दूंगी। मुझे तुम्हें एक बात बतानी है। तुमको पता है कोयल दीदी कह रही थी कि घोटक जेठ जी ना उनके लिए हीरो का हार गिफ्ट करने वाले हैं। हीरो का हार। अच्छा, सुनो ना, वो मैं क्या कह रही थी कि तुम मुझे कब हीरो का हार गिफ्ट करोगे? आप यहीं पे रुको, हम आपके लिए हीरो का हार अभी लेके आते हैं, ठीक है? ए,
माँ काली पहाड़ी, इतनी जल्दी हीरो का हार कहाँ से लाएंगे? कैसा लगा हमारा हीरो का हार? अरे बाबा, मैं असली हीरो की बात कर रही थी। ये भी असली है। अरे पति देव, असली मतलब महंगे महंगे हीरो की बात कर रही थी। ये भी बहुत महंगे वाले हैं। तुम नहीं समझोगे, हाँ रहने दो। हम नहीं समझेंगे। देख लो चिड़िया अम्मा, हमारे जज्बातों को आज तक इस चिड़ियाघर में कोई नहीं समझ पाया हमारे अलावा। पर हम तो पहनेंगे इन हीरों का हार, क्योंकि ना हम इन सारे हीरों के फेवरेट हैं। चिड़ियाघर की पेंट्री कार में आज क्या खाना सा हो रहा है? हमारे लिए फटाफट खाना लाया जाए। पेंट्री टाइम से ही खुलती है और टाइम से ही बंद भी होती है। अभी खाने का टाइम नहीं है। ठीक है, तो फिर कुल्लड़ में हमारे लिए गर्मा गर्म मीठी मीठी चॉय 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 लेकर आइए। हुकुम तो आप ऐसे चला रहे हैं जैसे आप अपनी पत्नी की सारी ख्वाहिशें पूरा करते हैं। जब मुझे टाइम मिलेगा तब आपको चाय मिलेगी। टाइम नहीं मैडम, हार मिलेगा तो चाय भी मिलेगी, खाना भी मिलेगा और प्यार भी। आप ऐसा समझते हैं मुझे? एक बात बता दूं मैं आपको, यहाँ बात हार की नहीं है, प्यार की है, प्यार की। आई एम सॉरी कोयल, लेकिन मेरे लिए बात हार की भी है और प्यार की भी। अरे क्या हुआ कोयल, डॉक्टर को बुलाओ। नहीं नहीं, खुशी की वजह से सांस रुक गई थी, अब आ रही है। आ रही है? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि मेरे हाथों में हीरो का हार है। अभी यकीन हो जाएगा ना? मैं पहना देता हूँ। मैं देखूं? हाँ देखो। कितने का मिला? चानेवंद, तोहफे की कीमत नहीं बताते और बीवी से कुछ नहीं छुपाते। बताइए कितने का मिला? 1.25 लाख का। सवा लाख का हार? इतना महंगा हार? इतने पैसे कहां से आए? कहीं कोई गलत काम तो नहीं किया आपने? हद करती हो कोयल, जब मैं हार नहीं ला रहा था तब तुम कह रही थी कि आप तो ऐसे हैं, आप तो वैसे हैं, आप तो पैसेंजर ट्रेन है, और अब जब हार लाया हूं तो शक कर रही हो? नहीं वो बात नहीं है, मुझे आप पर पूरा भरोसा है, लेकिन ये बताइए इतने पैसे कहां से आए? पहले तुम नीचे उतरो। नीचे उतरो। हाँ आ रही हूं। आराम, चिंता मत करो कोयल, ये हार मैंने किश्तों पर लिया है, धीरे धीरे करके किश्तें चुका देंगे हम। और वैसे भी ये जो हार लिया है ना, वो एक इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि हीरो की कीमत घटती नहीं है, बढ़ती है। एक बात कहूं, कितने अच्छे हैं आप। ऐसा मन कर रहे आपके लिए एक गाना गाऊं। नहीं नहीं, गाना नहीं, गाना नहीं, टाइम नहीं है ना। अच्छा अच्छा ठीक है, वैसे सही कह रहे हैं आप, गाना गाने का तो टाइम भी नहीं है, कितने सारे काम करने हैं मुझे। अभी हार की मुंह दिखाई, सजावट, मिठाई, नई साड़ी है, ब्यूटी पार्लर है। अरे बाप रे, इतना सब कुछ कैसे होगा? मैं इन सब की तैयारी करती हूँ। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। नई साड़ी, मिठाइयाँ, ब्यूटी पार्लर, हे भगवान, ये तो वही बात हो गई
कि फर्स्ट क्लास एसी में सफर भी कराओ और 60 रुपए के बजाय 100 रुपए की थाली भी खिलाओ। भैया एक टेंशन डाइट खबर है, मार्केट में केले और मूंगफली के रेट कम हो गए हैं। अच्छा? हाँ हाँ भाई, एक बंदर के लिए इससे ज्यादा खुशी की बात और क्या हो सकती है। डॉट 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 बधाई हो। भैया टेंशन टाइट, भैया आपको खाना चाहिए कुछ लाइट। तो देखो ना भैया, आपका पेट निकल रहा है, हम ठीक से गले भी नहीं मिल पा रहे। भैया कितना पेट निकल गया आपका? एक मिनट, एक बार फिर से मिल। डॉट 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 साइड से मिल। इस तरफ आ। डॉट 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 कपी, मेरे भाई, मेरा पेट जैसा था वैसा ही है। फुल स्टॉप। पेट तेरा निकल रहा है। डॉट 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 डॉट। यू आर राइट। तभी मेरे कपड़े हो रहे हैं टाइट। लेकिन भैया इससे क्या फर्क पड़ता है? पेट निकलना तो रईसों की निशानी होती है। हाँ भाई, बात तो तेरी सही है, पेट निकलना रईसों की निशानी होती है। डॉट 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 डॉट। लेकिन मेरे रईस, इस रईसी के चक्कर में तो कुंवारा रह जाएगा। डॉट 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 डॉट। तो आपकी शादी कैसे हो गई? देखो, अरे मेरी शादी हुई तो उसके बाद पेट निकला। डॉट 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 डॉट। चल तेरा वजन करते हैं। डॉट 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 डॉट। आराम से आराम से, मशीन टूट जाएगी। फुल ब्रेक मतलब फुल स्टॉप। अब क्या होगा भैया? कुछ नहीं होगा। 75 से 85, 85 से 95, उसके बाद एक मोटी सी वाइफ। डॉट 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 डॉट। नहीं नहीं भैया, ऐसा नहीं हो सकता। मैं कूदूंगा, फादूंगा, दौड़ूंगा, डाइटिंग करूंगा, एक्सरसाइज करूंगा, लेकिन मैं अपना पेट जरूर कम करूंगा भैया। कपी कपी, मेरे भाई बोलते सब ऐसे, लेकिन पेट कम करना इतना आसान काम नहीं है। फुल स्टॉप। आप मुझे चैलेंज कर रहे हैं? मैं क्या अरबी में बोल रहा हूँ? देख कपी, एक महीना है तेरे पास। एक महीने में अगर तूने 5 किलो वजन कम कर दिया ना, डॉट डॉट डॉट, तो तेरे को 101 केले लाकर दूंगा। डॉट 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 डॉट। अच्छा? हाँ ठीक है भैया, कपी दबंदर को आपका ये चैलेंज मंजूर है। एक्सरसाइज करके करूंगा खुद की टेंशन टाइट, मेरी है अपने आप से फाइट। गुड, आजा इसी बात पे। एक महीने के बाद मिलेंगे। डॉट 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 डॉट। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।